हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषभ दास ब्लॉग। रास्ता देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम फिर से एक सफर पे निकल चुके हैं। तो देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। फिलहाल तो हम इस रोड का पूरा पूरा मजा ले रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, लेकिन आज हम हिमाचल के धर्मशाला, मैक्लोडगंज या फिर नड्डी में नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हिमाचल के शहर कांगड़ा में। कांगड़ा जाते समय हम बीच में हिमाचल के एक छोटे से कस्बे लुंज में रुकेंगे। लुंज में ब्रेकफास्ट करके हम आगे जाएंगे कांगड़ा की ओर। जब से हम घर से निकले थे तब से ही, मतलब रात में निकले थे हम घर से, तो तब से ही बारिश हो रही थी, और बारिश आज सुबह तक कंटिन्यूसली चली जा रही है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने जैसे तैसे अपना ब्रेकफास्ट किया, और जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट किया बारिश और तेज शुरू हो गई। देखो भाई साहब कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे, देखो स्नो इतनी है कि पानी गिर गया। देखो देखो सब छाता लेकर खड़े हैं, ऊपर देखो बारिश ही बारिश, अभी सफ़ेद दिख नहीं रहा है, कॉन्ट्रास्ट मेरा मोबाइल का ना कॉन्ट्रास्ट खराब हो गया है इसलिए नहीं दिख रहा सफ़ेद। ये तो ये देखो, और सीन देखो सिनेरियो भाई साहब, दूर दूर तक बंदा ना बंदे की जात, मंकीज ओनली मंकीज। अरे मोबाइल गीला हो जाएगा। नहीं नहीं भाई आप समझे नहीं, ये बात पता है भागे क्यों है सब। अब एक बात बताओ, बंदर किससे डरते हैं? एक हमारे साथ घूम रहा है बंदर है, देखो पूरा झुंड है झुंड। केले खाने आया था, अभी हमने केले दिए नहीं इनको, थे ही नहीं हमारे पास केले। ये देख बहुत सारे बंदरों को बुला रहा है। इतनी बढ़िया जगह है विदाउट एनी पॉल्यूशन। लुंज में थोड़ी फोटोग्राफी के बाद हम निकल पड़े कांगड़ा की ओर। अभी हम हिमाचल प्रदेश में हैं। कहाँ पे है? कांगड़ा। अभी हमें आगे बर्फ मिलेगी, बर्फ किस्मत अच्छी रहती है गिरते हुए भी मिलेगी। ये चला रहा है गाड़ी, और ये देखो देख नहीं रहे मुझे, नहीं दिख रहे आप, नहीं दिख रहे ये रहना। हम हिमाचल प्रदेश की ट्रिप है। हम बादलों के ऊपर से जा रहे हैं बिना पैराशूट के, बिना पैराशूट। और ये रहे हमारे भाई बैठे जिनके घर हम रुके हैं। भाई से आए से आए, हाय। हम हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग में। देखो कितनी बर्फ पड़ रही है। ये देखो कितने बज रहे हैं अभी, पता नहीं जितने बज रहे हो। देखो देखो बर्फ पड़ रही है, ठंड है भाई, बढ़िया बढ़िया ठंड है। फॉल देख रहा हूँ गिरते हुए, गिरी हुई बहुत देखी है, अभी तो कम हो रही है, ज्यादा हो गई। हाँ गिरते हुए तो ये देखो, हाय फ्रेंड्स, देखो कितनी बर्फ गिर रही है। देखो हाथ देखो मेरा यार, रास्ता इतना स्किड कर रहा है बर्फ की वजह से, इसलिए हम क्या नहीं कर पा रहे, गाड़ी नहीं लेके आ पाए, इसलिए हम पैदल पैदल जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। ये देखो ये भाई हमें चला के लेके आए, खुद चढ़ के जाना पड़ेगा, अब हमें खुद चढ़ के जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी पर, दो पहियों वाली गाड़ी पर, ट्रैकिंग 11 नंबर की ट्रैकिंग। ट्रैकिंग करते हुए स्नोफॉल बंद हो गई है पेड़ों की वजह से, देखो कितने पेड़ हैं, आगे दिखाएंगे हम आपको। बाय बाय। हाँ उसी कैसे, ये देखो बर्फ, ये देखो बर्फ, ये देखो बर्फ, ये देखो, अरे गोला लगा इधर डाली से।
भाई साहब बहुत, ये देखो ये है बीर बिलिंग और यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल। ये देखो टांट पे सबकी बर्फ जम रही है, मजा आ गया मंडल है ना, मजा ऐसे है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन देखो स्नो देखो दिल्ली वाले भाई हैं जो बताओ बम से आए भाई। स्नो है भाई साहब स्नो। ओके स्नो है भाई स्नो पकड़ो सुन लो भाई साहब स्नो है। थैंक यू। देखो इधर देखो इधर देखो लाइट की वजह से ये सब हम फोटो उठा सकते हैं। ये देखो फ्लैशलाइट चल रही है। ये देखो चलो ये थैंक यू ओ भाई देख 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 वाओ देख एक बार ऐसे ले ना ऐसे सामने जा सामने जा सामने। होपफुली गाइस आपको ये हिमाचल का टूर पसंद आया हो। अगर आपको ये टूर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर पार्ट 2। प्लीज स्टे।